अगली खबर में बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन 28 नवंबर से 16 जनवरी 2023 तक की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के जिलों से धान एवं धान का आवक एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है तथा धान एवं मोटा अनाज के आवक एवं निकासी को रोकने के लिए उड़नदस्ता दल गठित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने उड़नदस्ता दल में क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी, क्षेत्रीय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी, क्षेत्रीय सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय सहकारिता निरीक्षक एवं क्षेत्रीय मंडी निरीक्षक को शामिल किया है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि उड़नदस्ता दल आपस में समन्वय स्थापित कर जिले में धान एवं मोटा अनाज के अवैध परिवहन एवं बिक्री पर नियंत्रण रखना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश से जिले में आने वाली धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश की धान का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों के ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।